गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग, ये है भाई अपना रिसु। गुड मॉर्निंग बोल भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये है उसको डांस करना है। चले फिर अपन चलते हैं जी। गुड मॉर्निंग, तो आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है। अभी सुबह की 8:14 हो रहे भाई। तो फिलहाल मेरा नाश्ता नुश्ता भी हो गया है और मैं तैयार हो गया हूँ भाई घर से जाने के लिए। आज का मतलब कुछ इस प्रकार का है। आसमान धुंध लगी हुई है बट बादल नहीं लगे हैं, मतलब मौसम क्लियर है। गर्मी का मौसम लग गया ना तो धुंध तो लगी ही लगेगी, है ना। इसमें है भाई एक माने घी और मटर। ओए कह रहे हो खरगोश, बंद करो बाल। खरगोश दिख आ गए वो। ए बाबा, ये चेक करो भाई खरगोश ले भाई। अब बिराव खान साहब कौज बिराव कह लिया जो खरगोश मैं खरगोश हूँ हैं मैं तो खरगोश। अब मैं ले जाऊंगा उसको। अब ले जाने ले जा हैं। चल ठीक है, बाय। हाँ बाय कर। तो मैं गांव के काफी ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ भरासन के रास्ते भाई। कल हम भरासन के रास्ता है ना गांव, तो उसी रास्ते जाना पड़ेगा वापस क्योंकि कार वही है ना नीचे भरासन के नीचे। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले जाना है मुझे। ओके भाई, बस बस। हमारे ताऊ जी, ताऊ जी मिस्त्री है भाई। ये घर देख रहे हैं आप, ये ताऊ ने बना रखा है। बहुत सारे घर ताऊ ने बना रखे हैं यहाँ पे। जो ये मकान दिख रहा है आपको, ये भी ताऊ ने बना रखा है। लगभग लगभग 75% मकान है ताऊ ने बना रखे भाई गांव में। एक कुत्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से छाए में बैठा हुआ है। ये रोड गैरसन से तो आ गई है बट सिर्फ 15-20 मीटर रह गया भाई। अब उसके बाद इधर से आना जाना होगा अपना गैरसन। जब भी जाएंगे ना या घर आएंगे तो इसी रास्ते से आना जाना होगा। लोगों को गांव में टाइम नहीं है भाई। जो पक गया है लोग जो काटने चले गए खेतों में, उसके बाद गेहूँ पक जाएंगे फिर गेहूँ काटने। मम्मी सुबह चले गई खेत में, बाद में बल धूप लगती है जो काटने। ये लोकेशन चेक करो, बेस्ट लोकेशन एकदम। ये पीछे मेरा गांव दिख रहा होगा आपको और सामने पार वाले गांव, और वो रहा विधानसभा भराड़ी सैन, और ये रहा भराड़ी सैन, और वो रही हमारी कार। ये है अपनी कार। बस इतना रह गया लिंक होने के लिए, रोड कटिंग करने के लिए। उसके बाद ये रोड सीधे गांव में, गांव के उस पहली तरफ घूम के सीधे यहाँ से निकलते हैं गैरसन के लिए, और वो रहा गैरसन। देखो भाई बस थोड़ा रह गया ये रोड कटिंग करना। बस यहाँ पे एक बैंड आएगा, उसके बाद रोड लिंक हो जाएगा भाई ऊपर वाले रोड पे। 1.5 किलोमीटर आ गया हमें पैदल पैदल। देख रहे आप कहाँ रह गया अपना गांव, रोड ही रोड। यहाँ पर देख रहे आप क्या मजबूत दीवार लगाई जा रही, शायद डैम्पिंग जोन बन रहा हो भाई। ये रही भाई अपनी कार। चलो कार बैक करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई। कल हम लोग कैंपिंग से आए, सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है देख रहे। चलो भाई निकलते हैं अब। 2 किलोमीटर ऐसे ही कच्ची रोड है, उसके बाद पक्के रोड लग जाएगी भाई। लो जी मैं पहुंच गया हूँ भराड़ी सैन।
आर्मी का ट्रक दिख रहा है भाई। हाँ जी हाँ, चुनाव ड्यूटी करना रखी है ना, ऐसा उम्मीद करते हैं हम, है ना। ये भाई टू लाइन रोड विधानसभा वाली, यहाँ पे देखो आप क्या मस्त सीन आता भाई, बीच में पेड़, इधर उधर से रोड। ये आ गए हम विधानसभा गेट पे, मुख्य द्वार। चलो जी शॉप पे पहुंच गए हैं, चार्ट हो गई है तो क्या करें, ग्रास का जूस पीते हैं ना। चलो भाई इतना पानी में ना बुरा सा जूस कितना डालना पड़ेगा बता, इतना डालना पड़ेगा ना, इतना डालना पड़ेगा। चलो डाल, अब पीते हैं भाई बुरा सा जूस। मजा आ गया। तो दोस्तों फिलहाल इवनिंग का समय हो रहा है 8:09 और सुबह शाम अपनी शॉप पे व्यस्त थे तो टाइम लगा है ब्लॉगिंग करने का, है ना। फिलहाल गुण भी आ गए हैं अपनी शॉप क्लोज करके और प्रेम भी आ गए हैं अपनी शॉप क्लोज करके। यहाँ से प्रेम जाएगा अपना रूम पे और हम तीन जाएंगे, हम चार जाएंगे हमारे रूम पे भाई, ठीक है भाई। शॉप क्लोज करा जाए, चलो चलो जी रूम पे पहुँच गए हैं। जो हमारा कैंपिंग का सामान था कुछ तो हम गाड़ी से ले आए, कुछ गाड़ी में रह गया भाई, मैं सामान था परसा कुकर पतीला सब चीज में है। ये चेक करो गाइस, आज सब्जी बनाई कड़वा करा लेके भाई, और बिजली लग गया अपना काम पे। हाँ जी क्यों, हफ्ते में दो बार तीन बार बनेगी, अब हफ्ते में दो तीन बार बनेगी है ना, गर्मी के हिसाब से है ना। और संजय क्या कर रहा है, संजय को देखना पड़ेगा। तो भाई तू किताब पढ़ लो जी, कलर कलर के ऊपर से मैंने घी डाल दिया, एक घी में घस लाया था ना एक मानी, ये देखो गाय का घी है, इसको बोलते हैं गाय घी, ऐसे होता है हमारे लोगों का समझ, क्योंकि इसका कलर ना पीला पीला है ना, तो ये गाय का घी है। तो दोस्तों ये चेक करो, ये है गाय का घी, तीन चम्मच मैंने कड़वा करेले के ऊपर डाल दिया है ताकि ये कड़वा भी ना हो और मजा भी आ जाए, है ना। तो ये मैं गांव से लाया था एक मानी की। चलो जी हमारा डिनर भी रेडी हो गया है, क्या करा? अच्छा यस, अरे होगा इतना कर उसको, छाछ बनाने की, छाछ बना उसी में बनाएगा वो छाछ, घी डाल के भाई छाछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई